बात करते हैं दो देशों के बेहतर होते रिश्तों के एक नए अध्याय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से केंद्र में आए हैं गल्फ कंट्रीज से भारत के संबंध को मजबूत करने में खुद वो लगातार जुटे रहे हैं और इसका असर भी दिखा है। पिछले 10 साल से भारत और खाड़ी देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और आए दिन पीएम मोदी या तो खाड़ी देश गए हैं या खाड़ी देशों के प्रेसिडेंट या फिर प्रिंस भारत का दौरा करते हैं। इस वक्त अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नायान आधिकारिक यात्रा पर भारत आए। 2 दिन की यात्रा है, ये क्राउन प्रिंस के रूप में उनकी पहली यात्रा है और क्राउन प्रिंस के साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल यानी कि एक डेलीगेशन जिसमें बिजनेसमैन शामिल है वो भी आए हैं भारत क्राउन प्रिंस के साथ। क्राउन प्रिंस जब दिल्ली पहुंचे तब उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, रेड कार्पेट वेलकम उनको दिया गया, खुद पीयूष गोयल उनको रिसीव करने पहुंचे थे। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करने पहुंचे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी आज मुलाकात की, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने क्राउन प्रिंस राजघाट गए। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्राउन प्रिंस का 2 दिवसीय भारत दौरा, भव्य स्वागत किया गया, पारंपरिक नृत्य और साथ ही रेड कार्पेट वेलकम उनको दिया गया एयरपोर्ट पर। इसके बाद आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की और राष्ट्रपिता की समाधि पर पहुंचकर बापू को भी उन्होंने नमन किया। तो भारत और यूएई के संबंध ऐतिहासिक रूप से काफी बेहतर रहे हैं, खास करके पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं और कारोबार में भी इजाफा हुआ है। कई अलग अलग आयाम हैं जिसको लेकर देखा जा सकता है कि दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं और साथ ही इसका फायदा दोनों देशों को मिला है। क्या अलग अलग सेक्टर्स है जहां काम किया जा रहा है, बिजनेस को लेकर लगातार दोनों देशों में कई समझौते हुए। निवेश को लेकर अगर देखा जाए तो लगभग 4th नेशन है यूएई इन्वेस्टमेंट के मामले में जो भारत में लगातार निवेश करता रहा है। कनेक्टिविटी को लेकर दोनों देशों में कई समझौते हुए, हाल में G20 में भी इसको लेकर बातचीत हुई थी, अलग से भी यूएस के प्रेसिडेंट से पीएम मोदी ने बात की थी। ऊर्जा को लेकर दोनों देशों में कई समझौते होते रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर भी दोनों देश एक साथ मिलकर काम करते हैं। शिक्षा और संस्कृति का भी एक आयाम दिखता है जहां दोनों देशों में एक सहमति है। याद करिए जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के ठीक अगले महीने यूएई पहुंचे थे और वहां पहले हिंदू मंदिर की दरअसल आधारशिला भी पीएम ने रखी थी और जब मंदिर शुरू हुआ उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का पूरा जो कार्यक्रम था वहां तब भी प्रधानमंत्री मौजूद थे और अपने आप में वो तस्वीर भी ऐतिहासिक थी जब पीएम इस पहले हिंदू मंदिर में दरअसल मौजूद थे। बहरहाल क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नायान के दौरे से दोनों देशों के बीच में रिश्ते और मजबूत होने की संभावना है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का भारत दौरा एक ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है, तो एशिया का हिस्सा है, वहां कई सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। आप खुद देखिए किस तरह से इसराइल की वॉर जारी है, हमास के खिलाफ लगातार जंग जारी है, ईरान में भी इस तरह की उथल पुथल की तस्वीरें दिख रही हैं, लेबनान भी इस युद्ध में अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर शामिल है और ऐसे वक्त में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का भारत आना अपने आप में बहुत खास हो जाता है, इसीलिए इस दौरे की खास अहमियत है। क्राउन प्रिंस के तौर पर नायान का यह पहला भारत दौरा है और इसी वजह से इसकी खास अहमियत बढ़ी है क्योंकि दोनों देश पहले से ही काफी मजबूत रिश्ते बना चुके हैं। इकोनॉमिक तौर पर यूएई भारत के लिए एक अहम रोल अदा करता रहा है, एक अलाई देश है इकोनॉमिक लिहाज से। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बतौर पीएम यूएई की यात्रा की थी, तभी से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचे और भारत में 7वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है यूएई। एक फाइनेंशियल ईयर में तो यह आंकड़ा नंबर 4 तक पहुंच गया था जब यूएई इन्वेस्टमेंट के मामले में 4थे नंबर पर था। 2022-2023 की अवधि में बायलेटरल ट्रेड $84.5 बिलियन तक पहुंचा, 2027 तक इसके $100 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। फरवरी 2022 में एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ, जुलाई 2023 में पिछले साल ही एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर भी हस्ताक्षर हुआ। यूएई में भारतीय समुदाय के करीब 35 लाख लोग हैं, याद करिए पीएम जब भारतीय समुदाय को यहां संबोधित किया था। अबू धाबी में एक विशाल हिंदू मंदिर की स्थापना की गई थी जब पीएम मोदी पहुंचे थे, जिसका जिक्र हमने किया। तो दोनों देशों के रिश्तों में और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है और इसके अलावा कई अहम समझौते हैं, मसलन
जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इसको भी एक कॉमन ग्राउंड देने की कोशिश की गई है कि जो कार्ड इंडिया में यूज़ किया जाता है रुपए कार्ड, वो आप यूएई में भी यूज़ कर सकें, ये कोशिश। इसी तरह से यूपीआई को भी वहाँ के डिजिटल पेमेंट गेटवे से जोड़ने का प्रयास किया गया, इसको लेकर भी दोनों देशों में समझौता हुआ है और लगातार ये प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ दिखा है। एक तरफ अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत में हैं, तो दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने इस्लामिक देशों से इसराइल से बढ़ते विस्तारवाद के खतरे के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया है। यह आह्वान इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक तुर्की अमेरिकी महिला की हत्या के बाद आया। इस्तांबुल के पास एक कार्यक्रम था और वहां एर्दोगन ने कहा, इसराइली अहंकार को रोकने वाला एकमात्र कदम इस्लामी देशों का गठबंधन है। मिस्र और सीरिया के साथ तुर्की के हालिया कूटनीतिक प्रयासों का मकसद इस कथित खतरे के खिलाफ एकजुटता बनाना है, नहीं तो लबनान और सीरिया भी खतरे में है। इसको लेकर आगाह करने की कोशिश की है एर्दोगन ने। और एर्दोगन की टिप्पणी अंकारा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ उनकी बैठक के बाद आई है। इसमें दोनों नेताओं ने गजा संघर्ष और अपने लंबे समय से तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के तरीकों पर चर्चा की, जो 12 वर्षों में दोनों देशों के बीच पहली राष्ट्रपति यात्रा थी। हालांकि दोनों देशों के संबंध कितना मजबूत हो पाएंगे ये अलग है, लेकिन यहाँ पर एर्दोगन ने एक तरह से आगाह करने की कोशिश की है, इस्लामिक राष्ट्रों को एक साथ आने का आह्वान किया है।